अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है वो 11,000 तक पहुंच गया है। अभी तक करीब 370,000 लोग इससे इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं। 29 फरवरी को वॉशिंगटन स्टेट से अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला रिपोर्ट हुआ था, यानी पिछले 5 या 6 हफ्तों में ही ये आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। उधर न्यूयॉर्क स्टेट से खबर है कि वहाँ पर जिस तेज़ी से लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे थे या फिर आईसीयू में भर्ती हो रहे थे या फिर जो डेली डेथ टोल आ रही थी, ऐसा लग रहा है, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि उसमें स्थिरता होती शायद दिख रही है। हालांकि जो राज्य के गवर्नर हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ट्रेंड देखना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से लोगों की मौत हो रही थी उसमें गिरावट होनी शायद दिखनी शुरू हो जाए। डॉक्टर एंथनी फाउची जो कि जाने माने विशेषज्ञ हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स टीम है उसके सदस्य भी हैं, वो कह चुके हैं कि ये हफ्ता जो है वो अमरीका के लिए बहुत बुरा होगा। इस बीच अमरीकी सरकार है, उसकी एक संस्था है, उसकी एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अभी भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें इक्विपमेंट हैं, गाउन्स हैं या फिर जो फेस मास्क है उसकी कमी बरकरार है और इससे जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई है उस पर असर पड़ रहा है। करीब 350 हॉस्पिटल्स का सर्वे किया गया, वहाँ से जानकारी जुटाई गई और इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कहीं पर जो सैंडविच बैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल थर्मामीटर कवर्स के तौर पर हो रहा है, कुछ हॉस्पिटल्स अपने आप ही खुद से जो है वो हैंड सैनिटाइजर्स तैयार कर रहे हैं किसी तरह से, कई जगह जो मास्क हो गए या फिर गाउन्स हैं हो गए उनका इस्तेमाल जो है एक से ज़्यादा बार किया जा रहा है। कल जो ब्रीफिंग्स होती हैं कल उनसे राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में सवाल भी पूछा गया जहां पर उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जब भी उनसे कोई शिकायत करता है, किसी कमी की बात करता है, चाहे वो गवर्नर्स हों या फिर जो रिपोर्टर्स हों, राष्ट्रपति ट्रंप उन इस कमी की बात को बिल्कुल खारिज कर देते हैं और उनका कहना रहा है कि गवर्नर्स हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि केंद्र सरकार किस तरह से कोशिशें कर रही हैं उस कमी को पूरी करने की और किसी चीज़ की एक्चुअली में कोई कमी नहीं है, और न कि वो शिकायत करें, कमियों की बात करें। कल जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ रिटेलिएशन की भी बात की है, अगर भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो ड्रग है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल लूपस और दूसरी बीमारियों के लिए जैसे आर्थराइटिस के लिए भी किया जाता है, उसके दौरान किया जाता है, अगर भारत ने इस ड्रग को अमरीका को देने से मना कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इस ड्रग के हिमायती रहे हैं, इसे गेम चेंजर बताते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर एंथनी फाउची हो गए या फिर कोई जानकार हो गए वो कहते रहे हैं कि इस ड्रग पर अभी और साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा किए जाने की ज़रूरत है कि इसका कोविड-19 के पेशेंट्स पर, मरीजों पर किस तरह से असर पड़ता है, और कुछ जानकार तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी चेतावनी देते हैं, लेकिन इस ड्रग के हिमायती हैं उनका कहना, वो कुछ स्टडीज़ का हवाला देते हैं जिसमें उनके हिसाब से लोगों को इस ड्रग से फ़ायदा पहुंचा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना रहा है, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो चाहेंगे कि इस ड्रग पर प्रॉपर टेस्ट हो, उसमें जितना भी वक्त लगे, लेकिन इतना वक्त कैसे उसमें स्पेंड किया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, महीनों कैसे उस पर दिए जा सकते हैं, अगर लोगों की मौत कोविड-19 से, कोरोना वायरस से आज हो रही है और हो सकता है कि इस ड्रग का फ़ायदा लोगों को हो। विनीत खरे, BBC वॉशिंगटन।